इवनिंग स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल इशू से। तो पोल्यूशन क्रिएट होने का कारण और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डिग्रेड होने के कारण क्या क्या हैं। तो फर्स्ट कारण है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। ओके, तो सॉइल इरोजन क्यों होता है? सॉइल इरोजन के कारण है या तो कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है, या डीफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, और या फिर पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस मतलब कि जो फार्म होते हैं उनमें इतना पानी डाल दिया कि वो पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या होगा? सॉइल इरोजन में कन्वर्ट हो जाता है और डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा कारण आता है नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब होने का, वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉजिंग क्या होती है? जब इरिगेशन सही ढंग से नहीं करते, विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, पानी तो खूब सारा डाले जा रहे हैं बट उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा है, देन दिस पानी विल इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे और क्या करेगा उसमें सॉइल में क्या होगा? सैलिनिटी बढ़ जाएगी, सलाइन बढ़ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिन। तो इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, और तीसरा जो मेन बड़ा कारण है डिग्रेडेशन का वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट को काट देना, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देना? नॉन फॉरेस्टेड एरिया। ओके, तो फॉरेस्ट अब तक ट्रॉपिक में कितना फॉरेस्ट लॉस हो चुका है? 40%, और टेम्परेट रीजन में कितना लॉस हो चुका है? 1%, और 20th century तक फॉरेस्ट 30% फॉरेस्ट होगा लैंड में, और एंड ऑफ सेंचुरी 19.4% फॉरेस्ट रह जाएगा। ओके, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट है कहाँ पर? प्लेन एरिया में, और हिल में कितना फॉरेस्ट है? 67%। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है? क्यों फॉरेस्ट कन्वर्ट होए जा रहे हैं किसमें? एग्रीकल्चर लैंड में, ठीक है। तो इसका मेन जो मेजर जो रीजन है वो है फीडिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो उसको फीड करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। ओके, रहने के लिए मकान चाहिए, मकान के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। ओके, और खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? फायरवुड चाहिए। ओके, जो भी कैटल है उनके रहने के लिए जगह चाहिए। तो इन सब के लिए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? फॉरेस्ट को कट कर रहा है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन के लिए एक और बात रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, जिसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। इसमें क्या करते हैं कि पुराने ज़माने में क्या करते थे, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ट्राइबल एरियाज़ के जो पब्लिक होती थी वो क्या करते थे? ग्रुप बना बना के फॉरेस्ट को कट कर देते थे, कट करके और उस पर क्या करते थे? एग्रीकल्चर ग्रो करते थे, ठीक है। तो वहाँ और ना उसमें कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? 2-3 साल तक तो उसमें एग्रीकल्चर होगा और उसके बाद क्या होगा? सॉइल क्या होगी? सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी और 4-5 साल बाद वो सॉइल ख़राब हो जाएगी, वहाँ पर फसल नहीं होगी। देन वो पब्लिक क्या करेगी? वहाँ से निकलेगी, फिर दूसरी जगह फॉरेस्ट में जाएगी, फिर वहाँ पर भी यही प्रोसीजर करेगी। ओके, फॉरेस्ट को काट देगी, फसल करेगी 4-5 साल, फिर वहाँ पे क्या ऐश इकट्ठा हो जाएगा, फिर अगली जगह जाएगी। ऐसे झूमते झूमते जाते हैं, फॉरेस्ट को कट करते जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन। ओके, और डिफॉरेस्टेशन के लिए और क्या क्या कारण है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है? डू यू नो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है पानी से बिजली बनाना, ठीक है। जो भी डैम होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, उनमें क्या करते हैं?
पानी से बिजली बनाते हैं, तो ये भी एक कारण है किसका, डिफॉरेस्टेशन का. ओके, या फिर फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लग जाए. ओके, या फिर जो माउंटेन होते हैं उनमें क्या करते हैं, रोड बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो ये भी एक कारण है. या फिर ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ये सब किसके कारण है, डिफॉरेस्टेशन के कारण. अब डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट आएगा, डिफॉरेस्टेशन से CO2 बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में. ओके, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी और सारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, सॉइल का इरोजन हो जाएगा और लकड़ी कम मिलेगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, अल नीनो इफेक्ट आ जाएगा. ये सब किसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डिफॉरेस्टेशन के. ओके, तो पुरानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ पीपल हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था टू सेव एंड कंजर्व द ट्रीज एंड फॉरेस्ट, पेड़ों को बचाने के लिए और फॉरेस्ट को बचाने के लिए किन किन ने योगदान दिया, उनमें से पहला नाम है बिश्नोई. ओके, बिश्नोई जो कम्युनिटी है, एक्चुअली क्या है, जोधपुर के जो किंग था उसने क्या किया कि वो बनाना चाहता था अपना महल के लिए उसे लकड़ी चाहिए थी. अब लकड़ी के लिए उसने जो भी अपने जो सैनिक थे, उनको वर्कर थे, उनको बोला कि जाओ और फॉरेस्ट को काटो और लकड़ी लेके आओ. ठीक है, तो उसके जो वर्कर थे, मिनिस्टर थे, वो गए और वहाँ पे फॉरेस्ट में जाके और पेड़ों को काटना चालू किया. तो एक बिश्नोई लेडी थी जिसका नाम था अमृता देवी. अमृता देवी ने उनको मना किया कि नहीं, हम पेड़ नहीं काटने देंगे, लेकिन बिश्नोई माने नहीं. तो अमृता देवी ने कहा कि अगर पेड़ काटते हो तो हमारे ऊपर भी तुम्हें कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी. तो राजा के जो किंग के जो वर्कर थे उन्होंने क्या किया, पेड़ के साथ साथ अमृता देवी को भी कट कर दिया. तो ये एक पार्टिसिपेशन है किसका, बिश्नोई का. तो अमृता देवी के साथ साथ और भी जो विलेजर्स थे उन्होंने भी अपनी जान से हाथ धोया. ठीक है, ऐसा ही एक और है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमृता देवी की याद में एक वो बनाया, क्या कहते हैं, अवार्ड, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड. उसको दिया जाता है रूरल कम्युनिटी को या इंडिविजुअल को जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए वर्क करता है. ओके, ऐसे ही एक है चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1974. ओके, तो चिपको मूवमेंट चालू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने. ओके, इसमें भी क्या है, जो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो लकड़ी काटने आता था, पेड़ों को काटने आता था, तो लोकल पब्लिक, ट्राइबल पब्लिक क्या करती थी, पेड़ के चिपक जाती थी, पेड़ को हग कर लेती थी. ठीक है, तो इस तरीके से पेड़ को बचाने के लिए ये मूवमेंट चालू हुआ, उसको कहते हैं चिपको मूवमेंट. ऐसे ही एक सिमिलर मूवमेंट है जिसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, JFM. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस किस का इंटीग्रेशन है, यानी कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, गवर्नमेंट प्लस लोकल पब्लिक. तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसमें किसको इंक्लूड किया, लोकल पब्लिक को. तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या लोकल पब्लिक को उस फॉरेस्ट का पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक को रेस्पॉन्सिबल बनाती है. और जो भी उस फॉरेस्ट से जो मिलता है प्रोडक्ट पेड़ों से, जैसे रबर, मेडिसिन, फ्रूट, गम, ये क्या है, उस पब्लिक को दे दिया जाता है और फॉरेस्ट भी बच गया और पब्लिक को भी कुछ मिल गया. तो ये दोनों का जॉइंट एफर्ट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM है. तो ये अपन ने पढ़े डिफॉरेस्टेशन को कैसे बचाया जाए. तो प्लीज़ ये मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए.